हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत क्रॉप टॉप और उसके साथ ही एक प्लाजो पैंट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक येलोइश ग्रीन कलर का जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैटर्न पहले से ही कट करके रखा हुआ है। फैब्रिक को हमने चार लेयर में फोल्ड कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कपड़े को चार लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 13 इंच और लंबाई है 50 इंच और इसकी कमर पर चौड़ाई है 10 इंच। तो हम पैटर्न को ऐसे रख के इस पर निशान लगा लेंगे और पैटर्न से जो हमने म्यान का निशान लगाया ये है 10 इंच। तो अभी हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। म्यान के नीचे हम इसको सीधा कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट कट कर देती हूँ। अब हम इसको बगल से भी इसके लेयर को अलग कर देंगे। ऐसे ही तो हमारा फैब्रिक कट चुका है। तो अब हम बेल्ट लगाने के लिए फैब्रिक को कट कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई हम 5 इंच और लंबाई 9 इंच ले रहे हैं। तो हम ऐसे ही निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। तो ये कट चुका है। तो अब हम बिल्कुल इसी तरह लाइनिंग को कट करेंगे। ये हमारी लाइनिंग है, इस पे हमने मेन फैब्रिक को ऐसे ही रखकर कट कर लिया है। तो अब मैं मेन फैब्रिक को लाइनिंग पर रख रही हूं। तो यहाँ पर हम म्यान की तरफ से 5 इंच लेकर एक मार्क लगा देंगे और उसके दोनों साइड से 1/2 इंच लेकर 2 मार्क और लगा देंगे। साइड के दोनों मार्क को एक दूसरे पर रखकर ऐसे प्लीट बनाकर हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लीट रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड के फैब्रिक पर भी प्लीट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लीट बन चुकी है दोनों ही कपड़ों पे। प्लीट हमारी फ्रंट साइड पे रहेगी, तो हम प्लीट को ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। नीचे का कपड़ा हमारा सीधा रहेगा, ऊपर का उल्टा रहेगा। तो यहाँ पर पीछे के साइड हम ऐसे ही 1/2 इंच लेकर सिलाई कर देंगे और आगे के साइड हम 6 इंच छोड़कर नीचे के एरियाज में सिलाई कर देंगे। यहाँ पे 6 इंच मैंने मार्क कर लिया है और नीचे के एरिया पे मैं यहाँ पे सिलाई कर दूंगी। तो ये हमारा रेडी हो गया है। आगे का जो एरिया हमने छोड़ा है यहाँ पर हम जीपर लगाएंगे। तो जीपर लगाने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा फैब्रिक कट कर लिया है, उसको हम यहाँ पे सीधा ऐसे रखकर 1/2 इंच लेकर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद ये फैब्रिक अंदर चला जाएगा। ऐसे ही ये सिलाई हो चुका है। तो अब हम जीपर लगाएंगे इसमें। जीपर को हम फैब्रिक के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। अब ऐसे ही हमने जो फैब्रिक उस पर ज्वाइन किया था वहां पर हम जीपर को रखेंगे 1 इंच फैब्रिक को छोड़कर और सिलाई कर देंगे। तो यहां पर मैंने सिलाई कर दिया है। हालांकि ये इनविजिबल जिपर है तो ये बंद करने के बाद दिखाई नहीं देता है। तो हम सामने वाले फैब्रिक को ऐसे ही उस पर रख के
यहाँ पर ऐसे ही एक सिलाई मार देंगे। तो अब बेल्ट के लिए उसके मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक दूसरे पर रखें और बगल से ऐसे ही छोटी सी सिलाई मार दें दोनों ही साइड में। तो मैंने यहाँ पर सिलाई मार दिया है। मैं कोने से थोड़ा सा कपड़ा कट कर दे रही हूँ ताकि हम इसको पलटे तो ये आसानी से अपने शेप में आ जाए। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह तो ये सीधा हो चुका है। अभी नीचे से मैंने आधी इंच सिलाई खोल दी है ऐसे। अब हम इसको पीछे के साइड से रखकर इसको आधा इंच लेकर सिलाई मार देंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई मार दिया है। ऐसे ही अब हम बेल्ट के फैब्रिक को हाफ इंच फोल्ड करके ऊपर सिलाई मार देंगे। तो हमने बेल्ट लगा दिया है। अब हम नीचे इसके तो अब हम इसके निचले पार्ट को ऐसे बराबर से एक दूसरे पर रखकर सिलाई मार देंगे। तो ये हमारा प्लाजो पैंट रेडी हो चुका है। तो अब हम कट करने जा रहे हैं ऊपर के क्रॉप टॉप को। इसके लिए मेरे पास बहुत ही कम कपड़ा बचा हुआ है। क्रॉप टॉप के लिए हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज का पैटर्न लिया हुआ है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को दो लेयर में फोल्ड कर दिया है। इसकी लंबाई हम लेंगे 9.5 इंच। ऊपर का हिस्सा हमें नहीं चाहिए पैटर्न से, तो हम पैटर्न को ऐसे ही एडजस्ट करके उसको कट कर देंगे। मेरा फैब्रिक बहुत ही छोटा है तो मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही रखकर मैंने इसको कट कर दिया है। पर हमारा तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक पार्ट रेडी है कट करके। फ्रंट के दोनों ही साइड पार्ट को हम ऐसे ही रखकर सिलाई कर देंगे। इसी तरह तो ये हमारा सिलाई करके रेडी हो चुका है। इसके साथ यहाँ पर हमारी लाइनिंग भी रेडी हो चुकी है। तो हम फ्रंट पार्ट के लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को रख देंगे। उसके नीचे हम दोनों स्ट्रिप्स को रख देंगे। इसी तरह और ऊपर हम ऐसे ही सिलाई चला देंगे। दोनों स्ट्रिप्स को अंदर रख देंगे ताकि जब हम नीचे सिलाई चलाएं तो वो उसमें ना आ जाए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को स्ट्रिप्स में ज्वाइन करके सिलाई करेंगे। लाइनिंग को नीचे रख के उस पे स्ट्रिप्स रखेंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को ऐसे ही रखकर सिलाई चला देंगे। अगर स्ट्रिप्स इधर उधर भागते हैं तो आप उसको सेफ्टी पिन से अटैच कर सकते हैं। इसी तरह
आप अगर चाहें तो फ्रंट साइड पे आप पैड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को सिलाई कर दिया है, ये हमारा इस तरह दिखेगा। तो अब हम फ्रंट पार्ट को ऐसे ही उसके अंदर रखेंगे और इस तरह रखेंगे कि वो सिलाई में ना आ जाए। नीचे के साइड हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो ये हमारा सिलाई करके रेडी हो गया है। तो अब हमने जो फ्रंट पार्ट को अंदर रखा था, अब हम उसको बाहर करेंगे, उसको बाहर करके सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम दोनों पार्ट को एक दूसरे पर ऐसे ही रखकर सेफ्टी पिन से अटैच कर देंगे। अब हम अपनी फिटिंग के अनुसार निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें एक साइड जिपर लगानी है, तो हम एक साइड पूरी सिलाई करके और जिस साइड हमें जिपर लगानी है वहाँ पर हम ऊपर के साइड से सिर्फ 1 इंच सिलाई करेंगे और बाकी का फैब्रिक छोड़ देंगे। अब हम इस तरीके से जिपर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जिपर लग चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा क्रॉप टॉप और उसके साथ ही प्लाजो पैंट रेडी है। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।